लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट में हुआ मर्डर, शोहर ने किया बीवी का कत्ल। तफसीलात के मुताबिक यूसुफ नामी शख्स ने किया अपनी ही बीवी करीमा बेगम का कत्ल रॉड से मारकर। 7 साल पहले हुई थी शादी, इन्हें 3 बच्चे हैं। जैसा कि इस बात की इतला लंगर हाउस पुलिस को मिलते ही लंगर हाउस पुलिस ने मुकाम वारदात पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया और मुजरिम की तलाश जारी है। आइए सुनते हैं। आज सुबह 9:15 को हमारे डीजी 100L कॉल से एक कॉल आया कि अटेम्प्ट मर्डर हुआ है डिफेंस कॉलोनी में। उसके तहकीकात के लिए पेट्रोल कार को हम भेजा है। उधर भेजाने के बाद मालूम हुआ कि एक औरत बुरका डाल लेके ब्रेड में नीचे गिर के है और खून के उसमें उन हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। उनका नाम है रेहाना, 30 ईयर्स है, वो कैम्ब्रिज स्कूल में टीचर का काम करती है। उन्होंने तो हॉस्पिटल ले आए तक उन बच्ची मर गई। उसके ऊपर हम इंक्वायरी करें तो क्या है, उनका हस्बैंड है यूसुफ बोल के, उन्होंने आके रॉड से मार के भाग गया बोल के मालूम हुआ। और उसका हस्बैंड को उनको 7 साल के नीचे मैरिज हुआ और 7 साल से भी उनको ऊपर अंदर डिस्टर्बेंसेस है। उन्होंने अभी 1.5 साल से उनके अम्मा के घर में रह रहे, इधर डिफेंस कॉलोनी में, यहाँ कैम्ब्रिज स्कूल में टीचर काम करते हुए उन्होंने जी रहे। और हम इंक्वायरी कर रहे वो यूसुफ के लिए, हम ढूंढ के जल्दी उनको पकड़ के रिमांड कर देते हैं। ये उनका नाम क्या है सर जो डेथ हुआ? रहीमा, उनका नाम करीमा है, एज 30 ईयर्स है। मेमो 9:15 मध्य ఒక 100L కాల్ రావడం జరిగింది డీజీ కంట్రోల్ నుంచి. దాని మీద మా పెట్రోల్ కార్ 2 వాళ్ళు పోయి చూడగా ఒక అమ్మాయి రక్తం మడుగులో పడి ఉంది. విచారించగా ఆమె అప్పటికి అన్కాన్షియస్ ఉంది, హాస్పిటల్ పంపిస్తే ఆమె చనిపోయింది. ఈ దాని పూర్వాపురాలు ఏమున్నాయంటే తన హస్బెండ్ వచ్చేసి అబ్దుల్ యూసుఫ్, ఈమె కరీనా బేగం వాళ్ళ భార్యను రాడతం కొట్టడం వల్ల ఆమె చనిపోయింది. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. భార్యాభర్తల మధ్య 1 సంవత్సరం నుంచి కూడా ఆమె ఇక్కడ వాళ్ళ తల్లిగారి దగ్గర ఉంటుంది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్తో కొట్టినా మేము అనుకుంటున్నాము. దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత విషయాలు మేము చెప్తాము.